जैसा कि आप सब लोग वाकिफ हैं 29 मई को रात के करीबन 9:15 बजे अनंतनाग टाउन में जंगलात मंडी वाली साइड में एक टेररिस्ट अटैक जो है वो पेश आया था और उसमें एक उधमपुर के लोकल दीपक कुमार दीपू उनका जो है इस टेररिस्ट एक्ट में उनका कत्ल किया गया था। और इसके बाद ही हालांकि वो बिल्कुल बरलबे हॉस्पिटल था वो इंसिडेंट साइट और उनको उसके बाद जब वहां शिफ्ट किया गया बट अनफॉर्चुनेटली वो ब्रॉड डेड करार दिए गए। उसके बाद उसके साथ ही हमारी जो सर्च ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन और जो तफ्तीश वगैरह हुई और इसमें हमारे पास जो टेक्निकल नीड्स आई सामने और उसके साथ साथ जो हमारी बाकी इन्वेस्टिगेशन हुई उस इन्वेस्टिगेशन की बेसिस पर जो है हमें कुछ क्लूज मिले और उस क्लूज के चलते हुए हम आगे बढ़े। इसी दौरान हमने कुछ सस्पेक्ट्स पे जीरो इन किया और काफ़ी सारे और सस्पेक्ट्स को भी हमने उठाया और उनसे हमने जो है इंटरव्यूज़ किए इंटरोगेशन की। और इसी दौरान में इसी असना में जो है हमारे पास दो इंडिविजुअल्स हैं दो पर्सन्स हैं जो कि अनंतनाग टाउन के ही रहने वाले हैं देवा कॉलोनी के। एक का नाम सहरान बशीर नदाफ है और दूसरे का नाम उबैद नज़ीर लागू है। ये दोनों लड़के मिसिंग हो गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन भी इन्हीं इंडिविजुअल्स की तरफ पॉइंट कर रही थी और इनके लिए फिर एक लंबा चौड़ा जो है हमें एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा। जैसे जैसे हमारे पास और टेक्निकल क्लूज और बाकी ह्यूमन इंट की जो क्लूज हमारे सामने आए उस सब को साथ में लेते हुए अल्टीमेटली वी वर एबल टू अरेस्ट द अक्यूज्ड एंड उसके बाद जो है पूरी कॉन्स्पिरेसी उसका खुलासा किया गया। इसमें काफ़ी टाइम हमें जो है वो लग गया प्रॉपरली पूरी चेन को कवर करने में कि किसने वेपन सप्लाई किया था और किसने रेकी की थी और कैसे उस पूरे वाक्य को अंजाम दिया गया था और कैसे उसमें प्रॉपर प्लानिंग के तहत प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है डायरेक्शंस पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर खालिद कामरान जो कि जैश मोहम्मद और या उसका फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स करके एक एलिजिट ग्रुप है उसके हैंडलर ने कैसे डायरेक्शंस दी और वो डायरेक्शंस कैसे बामल लाई गई और ये पूरी कॉन्स्पिरेसी का खुलासा हो गया है। और जैसा कि आपको जो हमारा इसमें सिट है उन्होंने जो इसमें काम किया है और जो हमारा उसमें इन लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है उसके हिसाब से आपके सामने जो प्रेस हैंडआउट भी रखा गया है उसमें इसकी डिटेल्स हमारे पास क्लियर होती हैं कि हमारे पास अभी तक इसमें एक AK-47 मैगजीन 40 राउंड्स ऑफ AK एमुनेशन दो पिस्टल मैगजीन 7 लाइव राउंड्स ऑफ पिस्टल्स 7 एम्प्टी कार्ट्रिजेस 3 हैंड ग्रेनेड्स मोबाइल फोन्स और एक स्कूटी जो है जो इस कार्रवाई को अंजाम देने में यूज़ हुआ था ये सब चीज़ें इसमें रिकवर हुई हैं। और अभी भी इसमें कुछ हमारे एक दो लीड्स जो हैं वो जारी हैं और उन पे काम चल रहा है। तो सर क्या आप इसको एक बड़ी कामयाबी मानते हैं कि अनंतनाग टाउन में इतनी देखिए नेचुरली हमारे लिए एक चैलेंज था ये बहुत बड़ा एक जो केस था वो हमारे पास था और जैसे कि आप जानते हैं कि इस तरह की जो माइनॉरिटी किलिंग हो रही है उसमें कई सारे एक बहुत मोडस ऑपरेंड है जिसको हम कहते हैं वो यूज़ हो रहे हैं बार बार हैंडलर की तरफ से ये डायरेक्शन आती है कि स्पेसिफिकली किसी कम्युनिटी को टारगेट किया जाए। और अक्सर और बेशतर आपने देखा कि इस साल हमारे पास काफ़ी सारे इंसिडेंट हुए पिछले साल डेढ़ साल में जहाँ पर कम्युनिटी के बेसिस पे या रेजिडेंस की बेसिस पे टारगेट किया गया लोगों को। और जैसे कि इस केस में भी आप देखेंगे कि जो विक्टिम था वो बहुत ही एक गरीब आदमी था और अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे एक मेले में काम कर रहा था। तो डेफिनेटली ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस था और आई वुड से दैट इट वाज अ मैटर ऑफ डिग्निटी ऑफ द पुलिस
कि हम इस केस को वर्कआउट करें। सर, वाज दिस ग्रुप नाउ एक्टिव फॉर सम टाइम नाउ, बिकॉज़ यू हैड सेड इन द हैंड आउट दैट सो फॉर 5 पर्संस, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, यस ऑफ कोर्स दिस वाज अ ग्रुप व्हिच हैज बीन वर्किंग फॉर सम टाइम, देयर आर सम लीड्स व्हिच वी आर इन्वेस्टिगेटिंग, वी एक्सपेक्ट सर्टेन मोर अरेस्ट्स एंड सर्टेन मोर रेवलेशंस इन द केस, एंड एट द सेम टाइम आई वुड से दैट दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट, अ हाइब्रिड टेररिस्ट मॉडल इन व्हिच a complete fresher, a complete young impressionable mind is used by handlers across and targeted to carry out such dastardly attacks, and somehow